जिले की यातायात पुलिस ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में यातायात पाठशाला जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत 36 स्कूलों के हजारों छात्र छात्राओं व शिक्षकों को यातायात के नियमों की जानकारियां दी गई। पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश एवं DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर, सदानंद विंध्यराज के नेतृत्व में चलाए जा रहे यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत जिले के 36 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों में यातायात पाठशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यातायात के DSP सतीश ठाकुर सहित यातायात के उप निरीक्षक, निरीक्षक सहायक उप निरीक्षकों के द्वारा शिक्षकों की भांति 18,000 स्कूली छात्र छात्राओं को यातायात नियम संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। यातायात पाठशाला के तहत यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन न करने से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि जिले में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में 300 लोग, छत्तीसगढ़ राज्य में 5,000 लोग एवं देश भर में 1,50,000 लोग मारे जाते हैं, जो कि अत्यंत गंभीर विषय है। ऐसे ही सड़क दुर्घटनाओं से देश की कुल GDP की 3% रकम 4,35,000 करोड़ का नुकसान होता है। यातायात पाठशाला कार्यक्रम की जानकारी DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने दी। यातायात पुलिस द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर 36 स्कूलों का चयन किया गया था, शहरी और ग्रामीण, जहां पे हमारी अलग अलग टीम बनी हुई थी और वहां स्कूलों में जाके बच्चों को सभी और उनके टीचर्स को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। जो ट्रैफिक में 4 ही रहता है, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट और एमरजेंसी, उसके बारे में विस्तार से बताया गया। दुर्घटना के मूल कारण क्या है उसके बारे में बताया गया और हेलमेट क्यों जरूरी है, सीट बेल्ट क्यों जरूरी है, यातायात के नियमों का पालन करें, इन सभी बातों का, और दुर्घटना होने पर जो घायल व्यक्ति की मदद करें और गुड सैमरिटन, उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। बच्चों ने काफ़ी रुचि लेकर उसको सुना है और निश्चित रूप से बच्चों लोग को जो जागरूक करने से उनके पेरेंट्स को बच्चों को बताएंगे तो जो आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है वो यातायात नियमों का भी पालन करेगी और अपने पेरेंट्स को भी पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालने के उपरांत उपस्थित छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें सर्वप्रथम यातायात के प्रमुख घटक 04E के बारे में बताया गया। साथ ही आते जाते समय सुरक्षा की दृष्टि से बरती जाने वाली सावधानियां, पार्किंग का स्थान, वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए एवं वाहन चलाने के नियम संबंधित जानकारियां दी गई। साथ ही सड़क में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए शासन द्वारा जारी किए गए गुड सैमरिटन की जानकारी प्रदान की गई। अंत में यातायात पुलिस के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करने शपथ दिलाई गई। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संजय दुबे।